दिन साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो 2024 के लिए रिवाइज एडिशन है, रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि जो है एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन, स्नातक एवं इंटर स्तरीय दोनों के लिए क्वेश्चन बैंक है 2021 तक का। इसमें टोटल 32 सेट है विथ फुल डिस्कशन के साथ होगा दोस्तों। सीबीटी 1 के लिए है जिसमें अभी तक मैंने कितना करा दिया आपको पता ही है, यदि आप डेली बेस पे करते होंगे तो आपको पता होगा इसमें अभी तक मैंने 14 करा दिया, ठीक है ना, जो 8/1/2021 में पूछा गया सेकंड सेट में क्वेश्चन। अब जो करने वाले हम लोग करने वाले हैं यह 15वें क्रम का है जो पूछा गया है 9/1/2021 में पूछा गया फर्स्ट सेट में क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बनाते हैं, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पे आपको स्कोर क्या रहता है जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों 2021 में जो भी करंट अफेयर या फिर 2020 से पूछे गए थे वो तो हमको नहीं देखना है, उसे हमको क्या इग्नोर करके चलना है, ठीक है ना, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखिएगा, गैर तकनीकी रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा का लिए है यह फर्स्ट स्टेज, देख रहे हैं यहाँ पे हेल्ड 9/1/2021 में हुआ फर्स्ट शिफ्ट में सेट नंबर 15। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या रहा है क्या इसमें 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। तो बताएंगे हम लोग कितने से, 300 से लेके 1000 के बीच में 7 से विभाज्य। तो 300 के बाद कौन सी संख्या जो 7 से डिविजिबल होगी, देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है वो होगा क्या, तो लास्ट नंबर 1000-1 के अपॉन 7 करेंगे, ठीक, माइनस कर देंगे यहाँ पे 300/7। ओके, इसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा 999। 999 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 142 आएगा, और ये 300 है जो दोस्तों 300 को आप डिवीजन करोगे तो ये पूर्णांक में आएगा लगभग आपको 42 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो हमने टोटल 42 ले लिया, तो 142 में से आप 42 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे 100 संख्याएं हैं ना जो 7 से विभाजित विभाज होंगे जो 300 और 100 के बीच में है। तो आंसर क्या बन जाएगा 1000 के बीच में, आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताएंगे, कह रहा है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जो है जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, वो क्या है बताइए। तो आप बता देंगे वो सांची का स्तूप, और ये किस स्टेट में पड़ता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सांची का स्तूप जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में स्थित है, प्रेम शांति विश्वास और साहस का प्रतीक है ना। सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य सम्राट जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 में, कब 1912 से लेकर 1919 तक के जो है सांची स्तूप का मरम्मत कराया गया था। सांची में स्थित स्तूप संख्या 1 या महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी शैल जो है संरचना में एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें आगे आने वाली कौन सा अक्षर होगा, जैसे देखेंगे ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो ई एफ जी एच से आप देखेंगे क्या कि एच एच जो है यहाँ से एस, जी से टी, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ से एफ से यू और ई से भी, ये सभी आप देखेंगे विपरीत वर्णमाला के क्रम है ना। विपरीत कहने का मतलब है कि जैसे ए का विपरीत क्या होता है जेड, वैसे ही ई का विपरीत जो होता है दोस्तों भी होता है। तो यहाँ जे का विपरीत क्या होता है, आप 27 में से 10 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप बता देंगे 17। 17 से स्टार्ट होने वाला क्यू होता है तो सभी क्यू से स्टार्ट है, ठीक है, कोई एक हम लेते हैं क्यू। देखेंगे 11 है ना, तो 27 में से 11 घटा लेंगे तो 6 और 1 16 पे आता है पी। पी किस में है, तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी अभी बाकी है और ऑप्शन डी भी कट गया आपके पास, ठीक है, अब ऑप्शन बी और सी बच गया। नेक्स्ट देखिए एल आता है 12, तो 27 में से 12 घटा लेंगे तो आपके पास 15 बचेगा, 15 पे आता है ओ, तो ऑप्शन बी भी कटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी बन गया। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल हमें ज्ञात करना है कि कितना है। तो देखिए ये नाव की चाल कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। देखिए बहुत ही सिंपल दोस्तों, धारा की यहाँ पे नाव की चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। अब धारा की दिशा में चाल आपको बताना है ना, तो धारा की दिशा में आप देखेंगे कि 28 किलोमीटर चल रहा है ना, कितना 1 घंटा 45 मिनट में, तो 1 घंटा + 45 मिनट अपॉन 60 कर दोगे हो जाएगा, तो काटो 15 × 45 15 × 60 यानी 1/3 1+3/4 होगा, इसे एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 7 बटे हो जाएंगे
7/4 होगा ना, एलसीएम ले लेंगे तो 7/4। अब जो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस कितने है, 28, और टाइम भी हमारे पास दे रखा है, कितना निकाल दिया हम लोग, 7/4, यानी 7 ओपन ऊपर चल जाएगा 4, काटेंगे 7 चौका, यानी कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका स्पीड, है ना। तो धारा की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा में से 14 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेंगे ये जो नाव की चाल है, तो कितना बन जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कह रहा है इनमें किस सार्वजनिक क्षेत्रक जो है उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, किसे प्राप्त है, तो आइए देखते हैं हम लोग। महारत्न कंपनियां जो है टोटल कितनी है, 13 है, कितने है टोटल, 13 है, जिसमें आप देखेंगे कि ये IOCL जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, यह क्या है, महारत्न कंपनी है। आंसर करेक्ट सी बनेगा। और 13 जो है उनका भी नाम सुन लेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है ना, HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NTPC है, ONGC है, PGCIL है, और IOCL है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ऑल OIL है मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने जीरो जिनके तुरंत बाद दो है, जिनके तुरंत बाद दो है, तो आप देखेंगे एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है दो, एक यहाँ पे आ रहा है तीन, तो कितने अभी तक निकले हमारे, तीन, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण तरह से विभाजित, पूर्ण तरह से विभाज्य है, कितनी है, तो हम देखेंगे इसमें कितने हैं, 5 से लेके, क्योंकि 5 से विभाज्य तो 5 होगा, और 60 से पहले, 60 से पहले कौन होगा, तो अब बता देंगे 55। तो आपने देख लिया सभी का डिफरेंस 5-5 आएगा, तो यहाँ पे AP के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। पहली संख्या 5 है, लास्ट संख्या हमारा 55, 10 से डिवीजन कर देंगे, 60 को 10 से डिवीजन करिएगा तो 6 आएगा। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि हमारा जो कितनी संख्याएं हैं, 30 और 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं, तो कितनी है, आप बता देंगे 6 है, आंसर बताइएगा, राइट आंसर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छठा कौन सा है, तो आप छठा बता देंगे ऑस्ट्रेलिया है, आंसर सी करेक्ट होगा। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो है दोस्तों भारत है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है, किस संगठन का अंग है, तो आंसर बताइए, यह जो है यूनेस्को का है, IOL का है, यूनिसेफ का है, या UNU का है, तो आप आंसर बता देंगे यह जो है यूनेस्को का है ना, आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए यूनेस्को का है। 2019 में उत्तर प्रदेश, देखिएगा ये जो है हमारी करंट अफेयर है, तो इसे हमें देखना तो नहीं है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की 77वीं वर्षगांठ पर जो है एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 77वीं वर्षगांठ पे, तो आंसर बताएंगे यह जो थी भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ पे, है ना। देखिए CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया है, कहाँ पे खोला गया है, तो आंसर बताएंगे मुरादाबाद, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, मुरादाबाद में खोला गया है। CSC का जो है पूरा नाम क्या है, तो कॉमन सर्विस सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे दे रखा है क्या 0.037 के ऊपर रेकॉर्डिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P एक पूर्णांक है और Q एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, 0.037 के पावर रेकॉर्डिंग है ना, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले तो 37 लिखेंगे, 37 में से आपको घटाना होगा 3 अपॉन ये 9 और 20 होगा ना, इसे घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पास 34 अपॉन 900,
34 हो जाएगा ऊपर 900, इसे काट सकते हैं आप, तो आपके पास 17 और बट्टे 450 बचेगा, 2 से काटेगा तो कितने आ गए, 17 बट्टे 200, 450। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बन जाएगा आपका। भूतल पर खड़े एक्स वाई ऊंचाई दो मीनार के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं, तो एक्स इस टू वाई का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बताते हैं हम लोग क्या होगा। पहले जो हमारे पास डायग्राम हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो हमारे पास है ये 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेट कर रहा है और ये जो एंगल फॉर्मेट कर रहा है ये 60 का फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है वाई है और इसका ऊंचाई एक्स है और इसे हमने बी माना, बेस है, ये हमारी बेस है, ठीक है। और यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पे तो समकोण बनाएगा ही बनाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे बनाते हैं टैन 60। टैन 60 इक्वल आप लिखेंगे, टैन 60 इक्वल क्या होगा तो आप बताते हैं, पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी, तो पी कितनी है आपकी एक्स है और परपेंडिकुलर बी कितना है, तो बी ही है आपके पास, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और रूट 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, रूट 3 होता है। टैन 60 का वैल्यू रूट 3 होता है ना, यानी रूट 3 इक्वल हम लिख सकते हैं इतना, या फिर रूट 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इधर निकालते हैं हमारा टैन 30। टैन 30 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, टैन 30 का वैल्यू क्या है, तो ये भी क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी यानी वाई बाई बी लिखेंगे और इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/√3 होता है, 1/√3। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1/4 जो है 2 से हम डिवीजन कर देंगे, 1 इक्वेशन जो है हमारा ये 1 है, ठीक है ना, ये 2 है, 1 को जो है 2 से जब डिवीजन करेंगे आप तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्योंकि रेशियो में निकालना है, तो ये x और डिवीजन y कर देंगे हम, ठीक है। तो आप करेंगे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा √3 अपॉन में आ जाएगा 1/√3, यही ना, ठीक है, यानी x अपॉन y लिखेंगे हम, तो आप देखेंगे √3 अपॉन 1 और ऊपर √3 चल जाएगा, तो √3 3 और नीचे 1, यानी 3:1 आ जाएगा हमारे पास x और y की वैल्यू, तो आंसर क्या बन जाएगा 3:1। करेक्ट आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका जो है लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। चिपको आंदोलन की तरह जो है निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य जो है उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो आंसर बताइएगा अपिको आंदोलन का है, आंसर करेक्ट बी बनेगा, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन जो है 1983 में, कब 1983 में जो है पांडुरंग हेंगरे के नेतृत्व में कर्नाटक में शुरू हुआ था, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन यह पर्यावरण आंदोलन की दिशा में किया गया आंदोलन था, इसके प्रमुख नेता मेघा पाटेकर थे, अनिल पटेल थे और बाबा आंबटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश उद्वार्ध स्तंभ में विन्यासित किया गया है, कितना किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे 18 किया गया, करेक्ट आंसर बी बनेगा और आवर्तों की संख्या 7 है। 52 से लेके 100 तक का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हमें फाइंड करना है, तो 52 और 100 का, तो अब सीधे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52 को 100 को जो है 52 से डिवीजन कर देंगे, कितने, 2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हम करेंगे 1 टाइम्स में 52, अब घटाएंगे तो आ जाएगा 48, डिवीजन कर दीजिए 52 को 1 टाइम्स में 48 आ जाएगा, 4 आपके पास, 4 को 48 से आप डिवीजन कर सकते हैं, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास 4, करेक्ट आंसर क्या बन गया इसका, HCF जो आया 4, करेक्ट आंसर ए बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, वेन आरेख जो है बताना है, देखिए वर्ष माह दिन, तो आपको पता है कि दिन के बाद मास के बाद वर्ष आता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ये वाला, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि 3 के 4 क्रमगत गुणजों का योग जो है 78 है, तो उनके सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें बतानी, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है क्या यहाँ पे कि 3 के 4 क्रमगत गुणज, 3 के 4 क्रमगत, तो एक तो खुद 3x है, ठीक है, प्लस एक है 3x और प्लस 3 होगा, प्लस 3x प्लस 6 होगा, प्लस 3x प्लस 9 होगा, ये 4 हो गए, 1, 2, 3 और 1, 4, ये 4 क्रमगतों का योग जो है 78 है, तो हम 78 रखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो
तीन, 3 6, 3 9 और 3 4 12, 12 एक्स हो गए, और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और ये 6 9 और 9 18 हो गए, तो 18 उधर घटा देंगे, 78 में से 18 घटेगा तो 60 आ जाएगा। अब 12 से काटेंगे तो 12 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या यही ना 3x+9, तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 9 24 हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पहले से संबंधित है। तो 23 का जो है 529 लिखा गया, तो 27 का कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 23 का 529 क्यों लिखा गया, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 27 का क्या होता है, 729 होता है, तो आंसर सी लिखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जावेद ने जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का ऋण 2 वर्ष के बाद 12,554 का भुगतान किया, यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो कितनी राशि का बचत होता। तो ये देख लेते हैं कितनी राशि का बचत होता, पहले मूलधन था 10,000 रुपया, अब जो हमारे पास इसका अमाउंट हो गया है वो कितना 12,544 हो गया, प्रिंसिपल था इसका 10,000, अमाउंट था इसका 12,544, यह जो मूलधन और मिश्रधन है ये कितने सालों का है, 2 सालों का मूलधन से इतना मिश्रधन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि देखेंगे ये जो 2500 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे और 3136 का है ना, तो ये आप बता दोगे कि 50 का आता है और ये जो आता है 56 का, ठीक। आप खुद देखो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, अपॉन 50 आएगा इंटू 100, काटिए इसको 50 से 2 टाइम में, यानी कितना आ गया 12%। जब रेट हमारे पास 12% आ गया तो हम साधारण ब्याज पे देख लेते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है होगा क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी पी आर टी ओपन 100 होता है ना। रखिएगा प्रिंसिपल आपके पास 10,000, रेट अभी जस्ट 12% निकाले, टाइम आपके पास 2 साल है, ओपन 100, 20 से 20 काटिए यानी कितने आ गए, तो 24 और 20 कितने आ गए 2400। चक्रवृद्धि ब्याज कितने, तो 12,544 में से 10,000 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे 2544, ठीक है। अब जो है हमारा बचत चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है और ये 2400 आया है हमारा साधारण ब्याज, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 144, तो आंसर क्या बनेगा हमारा देखेंगे, ऑप्शन नंबर 144 करेक्ट आंसर बी दिख रहे हैं आपको। कह रहे हैं भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे इसमें कुल अनुसूचियां जो है 6 है ना, आंसर बताइएगा राइट आंसर सी, कितनी है कुल 6 है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम जो है 1974 में हुआ था, कब 1974 में, और वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम तो 1981 में, 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 1972 में, और वन्य अधिनियम 1927 में। अगला देखिए वर्ष, ये भी करंट अफेयर है आपका दोस्तों, है ना, तो इसे भी आपको नहीं देखना, बट पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2024 वाला, ठीक है, 2024 के जितने भी करंट अफेयर, आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें जो हम SPD का हर मंथ का जो है करंट अफेयर कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। यदि आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, तो हर एग्जामों के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो अति महत्वपूर्ण है करंट अफेयर सेशन, देखिएगा। तो ये जो हुआ था 2019 में वो कहाँ पे हुआ था, तो 2019 में जो हुआ था ना दोस्तों वो हुआ था आपको बता दें ब्लेरिस्ट में हुआ था ना, ब्लेरिज में हुआ था। अब जो हम जानेंगे 49वां है ना, क्योंकि ये तो 2019 का है, 49वां जो हुआ है 2023 में दोस्तों वो हम लोग जानेंगे, फिर 2024 में भी जानेंगे कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे बता रहे हैं 2023 का पहले एक बार जान लेते हैं, 2023 में होता है दोस्तों यह 49वां होता है, और यह कहाँ पे होता है 49वां, तो 49वां होता है G7 शिखर सम्मेलन, यह जो होता है हिरोशिमा प्रांत के जो है हिरोशिमा शहर में आयोजित होता है, कहाँ पे दोस्तों हिरोशिमा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2024, अति महत्वपूर्ण 2024 में 50वां होता है, 50वां जो होता है यह कहाँ पे होता है दोस्तों, तो 50वां जो शिखर सम्मेलन होता है यह इटली के जो है अपुलिया में होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों, इटली में तो होता है, इटली के अपुलिया में होता है ना,
अपुलिया में होता है, ये याद रखेंगे आप। इटली में तो होता है, इटली के अपुलिया में होता है G7 शिखर सम्मेलन का 50वां। अगला देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे बहुपद दे रखा हमारे पास है ना, 5x² + 5p - 1x - 2p + 5 के शून्य का योग इनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो हमें p का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखेंगे बहुपद जो हमारे पास दे रखा है ना बहुपद, अब शून्यकों का योग क्या होता है आपको पता है, -b/a होता है ना, तो -b, अब देखेंगे ये है हमारे पास b है तो माइनस में रहे ठीक, और a क्या है आपके पास 5 है ठीक है। चलिए आइए हम लोग जो उसके बाद गुणनफल आपको पता होना चाहिए, c/a होता है तो c आपके पास कितना है 2p + 5 है और a तो 5 है ठीक है ना। अब देखेंगे इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे ओके। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले तो हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योग -b/a, तो b/a कहने का मतलब b क्या है तो -5p - 5 ओपन हो जाएगा आपके पास 5 होगा ठीक है। अब गुणनफल निकालते हैं तो वो होता है c/a होता है, c/a निकालेंगे तो -2p - 5/5 होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या कि ये जो हमारा युगफल है वो जो होगा गुणनफल के 1/4 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए -5p - 5/5 ये जो है -2p - 5/5 का 1/4 है ठीक है। अब बस यहाँ से आप सॉल्व नहीं कर लेंगे, बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से, तो सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीपल करके, तो आपके पास आ जाएंगे -20p - 20p + 4 इक्वल आ जाएगा -2p - 5, यानी आ जाएंगे ये कितने 18p इक्वल हो जाएगा आपके पास 9, तो आप काट सकते हैं 9 2 जा, यानी p का वैल्यू हाफ आ गया, p का वैल्यू 1/2 आ गया, तो हमें p का वैल्यू तो फाइंड करनी थी, p का वैल्यू कितना आ गया 1/2। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी, विकल्प का चुनना है, जैसे चूहा बिल में रहता है घोड़ा कहाँ पे रहता है, तो घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है ना, करेक्ट आंसर डी में बताइएगा अस्तबल में रहता है। देखिए यदि √3 sin θ - cos θ = 0 है, थीटा न्यून कोण है, तो cos³θ - √3 sin³θ का मान आपको बताना है कि होगा क्या। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, आप देखेंगे क्या कि √3 sin θ = क्या है cos θ, कर सकते हैं यहाँ पे, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में cos θ होगा ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो √3 जो है इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि साइन थीटा और ये कॉस है ना अपॉन में कॉस आ जाएगा ठीक, कॉस आएगा और जो है हमारे पास रूट को उधर हम लोग भेजते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए साइन का वैल्यू 1 और कॉस का वैल्यू √3, तो इसे हम क्या टैन बोल सकते हैं, tan θ = 1/√3, तो tan θ = 1/√3, tan का जो है tan कितने का वैल्यू 1/√3 होता है, तो अब बताएंगे tan 30 का वैल्यू होता है, यानी कि tan ये जो हमारा 30° का वैल्यू आया 1/√3 एंड tan 30 का, तो हमें फाइंड करने हैं क्या कि cos³θ - √3 sin³θ का वैल्यू फाइंड करना है ठीक। आइए यहाँ पे हम लोग रखते हैं, अभी जस्ट हमें थीटा का वैल्यू पता चल गया कितना है 30° ठीक, तो आइए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जब यहाँ पे आप रखेंगे दोस्तों cos³, अभी थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 30, तो 30 का वैल्यू कितना होगा बता दीजिए, तो √3/2 का होल क्यूब कर लेंगे आप है ना, होल क्यूब माइनस ये जो है √3 sin³θ, तो अभी हमने 30 बताया है तो sin³θ का वैल्यू 1/2 होता, इसका क्यूब कर लेंगे आप ठीक, ये cos यहाँ से हट जाएगा ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो अब बनाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अब बताएंगे √3 और यहाँ पे 8 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितने, तो 3 तो रहेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 8, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप 3 में से घटा लेंगे तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ √3 और ओपन में 8 आ जाएगा, तो √3/8 करेक्ट जो होगा आपके पास ये √3 ये 2 वो आ जाएगा ना, क्योंकि 3 और 3 यहाँ पे 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 आए तो 2 से काटेंगे, तो यानी √3/4 करेक्ट आंसर आपका
राइट आंसर ए दिख रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, इसे सरल करना, आप सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी में कर लेंगे। इससे पहले डिवीजन कर देंगे, जो भी आएगा गुणा करने के थोड़ा जोड़ के तब घटा दीजिएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इसे आप डिवीजन करेंगे और गुणा करके जोड़ के घटा देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन में 2 आएगा, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, देखिए 2019 का करंट अफेयर है, तो इसे आपको नहीं देखना है, बट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों के द्वारा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, तो कौन कौन देश है बताइएगा, तो आंसर बताएंगे वो भारत और फिनलैंड के बीच में हुआ था ना, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फिर एक और आ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसे घटाइए तो कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा, इसे घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये जो हमारे पास है 4 में से 2 घटाइए 2/4 रहेगा, फिर इसे घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, ऐसे जो है हमेशा बढ़ती जा रही है, 2 से 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेगी, तो 3 आप है आपके पास तो 4 में से 1/4 हो जाएंगे, ऐसे आप घटाते चले जाओगे तो आपके पास आते चले जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, गुणे यहाँ पे -1/4 आ जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो -2/4 ऐसे आएगा। क्या कोई कटने वाला है, तो आप काटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 आ गया तो किसी से मल्टीपल करोगे तो वो 0 ही आएगा, कन्फर्म है ना, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 0, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि सैन्य विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, सैनिक विद्रोह के दौरान कौन थे, तो आंसर बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था, करेक्ट आंसर ये बनेगा, लॉर्ड कैनिंग था, 1857 का जो महान क्रांति हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग था। तारे रात को जो है आसमान में ही क्यों टिमटिमाते हैं, आंसर बताएंगे ये नक्षत्र प्रकाश के जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, किसी कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये याद रखेंगे, आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली 3 लाल गेंदे, यदि यादृच्छ रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता आपको बतानी है कि क्या होगी, तो आइए हम लोग देख लेते हैं गेंद के न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सफेद गेंदों की संख्या 6 है, ठीक है, काली का 2 है और लाल का 3 है, ठीक है ना, आप जो है सफेद न होने की प्रायिकता कितना बताएंगे, तो सफेद न होने की संख्या तो वो बताएंगे 2 और +3, क्योंकि सफेद तो 6 है तो हमने लाल और काली को ले लिया, ठीक है, अब सभी को ऐड करेंगे 6 2 8 और 3 11, तो कितने आ जाएंगे हमारे 5/11, ये आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4 और 3 के अनुपात में एक मिश्रधातु में तैयार किया जाता है, तो यह मिश्रधातु बनाने में प्रयुक्त किए गए तांबे का मात्रा जो हमें ज्ञात करना है कि कितना आ जाएगा। तो देखिए पीतल और तांबे का हम जैसे यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पीतल यहाँ पे हम पीतल लिखते हैं और यहाँ पे तांबा, ठीक है, ये पीतल और तांबे का रेशियो आप देखेंगे तो 4 और 3 का रेशियो, ठीक, आप देखेंगे 4 और 3 का रेशियो, इसे हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, ठीक, 3/4 लिखने के कहने का मतलब यहाँ पे कि 140 तो है, 140 ग्राम तो है ये, ठीक है ना, 140 ग्राम जो 3/4 लिखेंगे, इसे 4 से काट के देखते हैं कितने टाइम्स में कटेगा, तो आप काट दोगे तो ये कट जाएंगे आपके 3 टाइम्स में 12 और 5 टाइम्स में, यानी 35 टाइम्स में इसे मल्टीपल करें 105 ग्राम, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 105 ग्राम, करेक्ट आंसर आपका बी, राइट आंसर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए चित्र वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, जिसमें ARS 125 दे रखा है, तो PAB का वैल्यू हमें बताना है, PA और B ये वाली हमें वैल्यू बताना है क्या है, और आपके पास दे रखा है ARS ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या AB जो है यहाँ पे एक क्या है, तो ब्यास है, AB क्या है दोस्तों आपका एक ब्यास है, ठीक है ना, आप देखेंगे एंगल APB ये कितना है, तो 90 डिग्री दिख रहा है ना, APB जो है AP और B ये कितना का फॉर्मेट, 90 डिग्री का कर रहा है, ओके, आप देखेंगे एंगल ARP जो है 180 माइनस जो हम लोग कर देंगे क्या ARS करेंगे ना, ठीक है, तो 180 में से 125 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री,
ये 55 डिग्री जो आया दोस्तों ए आर पी है, ए आर पी इक्वल हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ए पी बी, ए बी पी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक ही जीवा से जो है परिधि पर बना कोण है। अब देखेंगे ट्रायंगल ए पी बी में, ठीक है ना, ए पी बी में देखिएगा तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करते हैं तो 180 आएगा, जिसमें इसका वैल्यू 90 दे रखा है, इसका वैल्यू 55 दे रखा है। तो क्या हम बी का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? एंगल बी का वैल्यू फाइंड करेंगे 180, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5, 9, 5, 14, यानी कि प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180। तो बी का वैल्यू आप निकाल दो, 145 घटा लोगे 180 में से, कितने आ जाएंगे 35, है ना, 35 डिग्री आपके एंगल बी आ गया, मतलब पी ए बी का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया पी ए बी का वैल्यू दोस्तों, यहाँ पे पी ए बी का वैल्यू वो कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री, पी ए बी का वैल्यू वो आ गया, वो हमारा 35 डिग्री आ गया। तो आप देखते हैं हम 35 डिग्री ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर डी है आपका, राइट आंसर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला क्या गया, कथन और निष्कर्ष। ये कथन को हम लोग रीड करते हैं, कथन कह रहा है कि कुछ सेब जो है अंगूर है, कुछ सेब जो है वो क्या है तो अंगूर है, ठीक है अंगूर है, कुछ अंगूर जो है आम है, कुछ अंगूर जो है आम है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है सभी सेब आम है, सभी सेब जो है क्या आम है, बिल्कुल गलत। कुछ आम जो है सेब है, कुछ आम जो है क्या सेब है, ये भी गलत, यानी ना तो अनुस्करण एक और ना ही दो करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर एक बनेगा आपका, बताइएगा। यदि जो है यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अनुसार में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से सातवें स्थान पर जो है कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा दोस्तों, तो आप आंसर बता देंगे। यह जो आप देखेंगे अक्षर के क्रम में जो व्यवस्थित कीजिए और बाएं से सातवें सिरे पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद आई आई, फिर आएगा एन, फिर आर एस टी यू वी और वाई आएगा। तो आप देखेंगे सातवें, तो आप क्या आ जाएंगे 4 और 3 7, सातवें पे कौन आ रहा है तो आप बता देंगे टी आ रहा है, यानी आंसर क्या बताएगा, ऑप्शन नंबर सी बताएगा। देखिए किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है, इस नदी विस्तार को कहते हैं तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, आंसर सी बताइएगा, राइट आंसर सी ब्रह्मपुत्र का। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF 91 गुना है, उनके महत्तम समपवर्तक लघुतम समपवर्तक का योग जो है 2780 है, इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताना है। आइए यहाँ पे हम लोग LCM गुने HCF इंटू इक्वल जो होगा फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास LCM इंटू HCF इंटू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि दोनों संख्याओं का गुना फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का। तो देखिए इसमें आपके पास जो जो दे रखे हैं यहाँ पे महत्तम समपवर्तक तथा लघुतम समपवर्तक कितने हैं 91, ठीक है ना, तो 91 एक्स प्लस एक्स करने पे दोनों का कितने आ रहे हैं 2760, यही ना आ रहा है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 92x हो जाएगा, 92x इक्वल निकालोगे 92 से काटोगे इसको तो कितने टाइम्स में कटेगा 30 टाइम में कटेगा, यानी LCM जो आप फाइंड करेंगे ये 91 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, और HCF जो आएगा आपके पास 30 आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल करोगे, पहली संख्या 210 है ना, पहली संख्या 210, तो 91 गुने 30 गुने 30 बटे 210 रखेंगे, काटिए 3 7 7 से काटिए तो आपके पास कितने आ जाएगा 39 यानी 390 आ गया। आंसर कौन सा बताइएगा, 390 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आप कह रहा है कि राइबोसोम डैश बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, आंसर बनेगा बी प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा डैश ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यातीत किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे जेम्स प्रिंसेप्स किए, है ना, करेक्ट आंसर राइट आंसर डी बताइएगा, जेम्स प्रिंसेप्स 1837 में सबसे पहले जो ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का सफलता प्राप्त किए थे, जेम्स प्रिंसेप। अगला बताइएगा यहाँ से 3 से E से 8 फिर L तो आगे क्या आने वाली है संख्या, ये आपको पता नहीं, देखिएगा 3 से यहाँ 5 बढ़ा, ये 5 से कितना 12 बढ़ा है, तो 5 से कितना बढ़ा है जो 12 है, तो आप देखेंगे क्या 3 से 2 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16, यानी 16 और यहाँ पे जैसे देखेंगे
यहाँ से कितना बढ़ा तो आप बताएंगे 2 बार, यहाँ से कितना बढ़ा 3 बार, यहाँ से कितना 4 बढ़ा, तो आगे 5 बढ़ना चाहिए, 12 और 5 कितने हो जाते हैं, तो 12 5 17, यानी करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। अगला बताना है, देखिए ये करंट अफेयर है तो इसे आपको देखना नहीं, बट इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए ये तो उस टाइम की है, तो उस टाइम जो थी भारत की रैंक 50वीं थी, बट अब क्या है देखेंगे दोस्तों, तो 2023 के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो भारत की रैंक जो है अब 40वां आ गए 2023 के अकॉर्डिंग, ये याद रखेंगे आप दोस्तों, 2023 के अकॉर्डिंग भारत का रैंक जो है क्या आ गया है WEF में, तो 40वां रैंक आ गया है, याद रखना है ओके। और ये जो 2023 का स्पर्धा जारी किया गया था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंक में, शीर्ष स्थान कौन रहा है तो आप याद रखना होगा आपको, डेनमार्क रहा है। इनमें कौन सा संचार जो है प्रोटोकॉल है, कौन संचार प्रोटोकॉल है, तो आप आंसर बताएंगे HTTP है, करेक्ट आंसर बी बताइएगा। निम्नलिखित में किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो कौन कौन किए थे आइए देखते हैं हम लोग, तो आंसर बताएंगे वह किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान किए थे, आंसर सी बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान किए थे ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर। कब हुआ था दोस्तों, तो 10 जनवरी 1966 में हुआ था। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बन यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं, तो आप आंसर बताएंगे ATP के रूप में टूट जाते हैं, आंसर ए बताएगा ATP के रूप में टूटते हैं। कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप आंसर बताएंगे CPU को कहा जाता है, आंसर डी बताइएगा, इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे BC पैरेलल जो है DE दे रखा है, DE जो है ये BC के पैरेलल है, ठीक है ना, तो X का वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी ये कितना होगा, तो आप देखेंगे इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, हम भी इसे आगे बढ़ा। अब देखिएगा ये जो हमारे पास 122 है दोस्तों, ठीक है, इसे हम डॉट से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जब ये 122 है तो कौन सा 122 होगा बता दीजिएगा, तो आप बताएंगे क्या, जब ये हमारे पास 122 है और ये 38 है, ठीक है ना, जब ये 38 है तो आपको स्वाभाविक बात है कि ये वाली कितनी एंगल होगी दोस्तों, ये भी आपकी 38 होगी, या फिर ये आप कर सकते हो कि 38 ये है तो इस दोनों का सम कितना होता है, इसका और ये 38 का सम 180 होता है ना, तो इसमें से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, जो ट्रायंगल हमारे पास बनना है ए, और यहाँ पे कोई भी नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे एफ हमने डाल दिया, AFB है ना, AFB में देखिएगा तो ये ट्रायंगल का एक्स है और इसका हमें नहीं पता, इस दोनों का सम जो होता है 122 के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है, तो आइए हम लोग रखते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे जब ये 138 है तो ये वाली कन्फर्म होगा 138, क्योंकि ये पैरेलल है, तो चलिए ये 38 आ गया और ये एक्स है, तो हम ऐड कर लेंगे एक्स प्लस 38 बराबर कितना हो जाएगा 122 होगा ना, ठीक है, तो 38 इधर घटा दीजिए तो 122 में से 38 घटाइए तो कितने आ जाएंगे 84, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 84 आ जाएगी, आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आंसर ए बनाइएगा, है ना, और गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये हल करना है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मार्क्स का यूज करके, है ना, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे आप, ठीक, फिर उसके बाद मिडिल, फिर बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे 80, ठीक है, ये तो रखेंगे, अब देखिएगा इसे डिवीजन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस तो रहेगा रहेगा, ये 16 और 5 में गुणा कर दोगे तो कितना 80 आ जाएगा, ठीक है ना, 80 और यहाँ पे करोगे तो 30, ठीक है ना, 80 में से 30 घटा 80 और 4 84, 84 में से 30 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो आपके पास ये जो है यहाँ पे 30 पहले लिखेंगे, ठीक है, अच्छा 6 ये 30 हो गया, माइनस 30 हो जाएगा और प्लस 4, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4 बच जाएगा आपके पास, माइनस 12 बचेगा ना, अब देखिएगा क्या क्या बच गया, अब 8 से इसे डिवीजन कर दोगे तो 10 बच जाएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पे 4 और माइनस में 12, यानी 14 में से 12 घटा दीजिएगा तो 2, आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर बी। अगला बताइएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ना, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर जो 25% की छूट देकर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि हमें बताना है कि क्या होगा, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये है, तब क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का जो है 60% अपॉन 100 हो जाएगा,
ना, यानी इसे काटेंगे, या फिर ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं 60x/100 रुपया, ये हमारा क्या आ गया, तो सी पी आ गया, ठीक है ना। तो हम एस पी निकाल लेते हैं, एस पी कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे एक्स का 75% आप करेंगे तो ये आ जाएगा 75x/100, ये आपका आगे एस पी आ गया, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट, क्योंकि स्वाभाविक बात है दिख रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75 में से 60 को घटा देंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 15x/100 तो 100 रहेगा, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं इजिली में, ठीक है। 15x यहाँ पे लिखेगा 15x/100, अपॉन में आ जाएगा आपका सी पी कितना है, 60x/100 इंटू करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 100 से 100 काट देंगे आप, तो आपके पास 15 यहाँ पे बच जाएगा 60 और यहाँ पे बच जाएगा 100, ठीक है। इसे काटिए तो क्या कटेगा दोस्तों, 0 से 0 कटेगा ना, और भी कटेगा, 3 से काटिए 3 2 3 से काटेंगे 3 5 6, 2 से काटिए 5 टाइम 5 5 25% की इसे क्या होगी, 100,000%, आंसर बनेगा बी। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, कहाँ पे किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो आप बता देंगे झारखंड, कहाँ पड़ता है राउरकेला, झारखंड, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, है ना। अगला प्रश्न बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउरकेला जो बना था दोस्तों ओडिशा में बना था, राउरकेला कहाँ, ओडिशा, है ना, हमने झारखंड बताया, देखिए ओडिशा में बना था, ठीक है ना, ओडिशा राउरकेला जो है ओडिशा में बना था, और भिलाई वाला इस्पात षड्यंत्र जो है छत्तीसगढ़ में, वो सोवियत संघ यूएसएसआर से बना था, जो अभी रूस कहलाता है, बोकारो जो है यह झारखंड में बना था दोस्तों, यह सोवियत संघ से ही बना था। दुर्गापुर इस्पात षड्यंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, यह यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से बना था। अगला प्रश्न बताना है, देखिए कह रहा है कि जनसंख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है, इनके रूप में वर्णित किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे कि एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, आंसर करेक्ट आंसर डी बताइएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 × 2 मीटर कम है, तो इसकी परिमाप जो है 28 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो भाई हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दे रखा है, कह रहा है क्या यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई एक्स है, ठीक है ना, बी हमने एक्स ले रखा, लेंथ हमारे पास कह रहा है कि 3x-2 है, ठीक है। तब आप परिमाप को फॉर्मूला आपको पता है 2 × L + B होता है, पता है ना, बस यहाँ पे रख देंगे इसके फॉर्मूला पे रखिए, 2 तो रहेगा L की वैल्यू 3x-2 और B का वैल्यू आपके पास x है, रखिए इसका 2 और ये हो जाएगा 3 4x-2 होगा, ठीक है। और D कितना रखा है परिमाप आपके पास 28 दे रखा है, 2 से काटे 14 टाइम्स में, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये हो जाएंगे 16, 4 से काटोगे 4, यानी x की वैल्यू जब 4 आ गया तो b 4 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 2 घटा देंगे 10, लेंथ आपका 10 और ब्रेथ जो आपका 4 आ गया, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता करनी थी, तो हमने निकाल दिया, हमें निकालनी क्या थी दोस्तों, अब बताएंगे इसमें चौराई अभी जस्ट आपने निकाला, कितना आंसर आया, चौराई 4 मीटर, करेक्ट आंसर ए आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी जो है पीस प्राइज 2018 दिया गया था, तो आंसर बताएंगे वो दिया गया था योही सस्कावा को दिया गया, योही सस्कावा को, आंसर बताएंगे राइट आंसर बी दिया गया था, है ना। अब जो है कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझने, ये जो 2023 में दिया गया दोस्तों उसके बारे में बता रहे हैं, जो इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने में उनके प्रयासों के लिए जो है डैनियल बर्नबोइम और अली अबू अब्बाद को 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको, है ना, और 2023 में जून में जो है मानवता को सामाजिक उत्थान के योगदान देने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित को हमें हल करना है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी में, देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, 9 का 3 होता है ना, ठीक है, इसका तो 3 रखेंगे, इसका कितना होता है 4, ये भी रखेंगे तो 3 और यहाँ पे 4, ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है ना, अच्छा ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा 7। अब देखिएगा ये जो हमारे पास माइनस 7 आया और यहाँ पे 56 से 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 का आपको पता है कितना होता है 7,
सेवन जो आ गया, सेवन तो कट गया, सेवन और टू, सेवन सेवन टू कितना हो जाएगा, सेवन टू जो 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है पूरे काटेंगे, सेवन टू जो 14, यहाँ पे 14 और प्लस जो है 130 है, 130 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 144, यानी 12 आ गया इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 12 आ गया, ठीक है ना, 144 का 12 आ गया, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे 37 में, तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4, यानी 49 का क्या हो जाता है 7, यानी करेक्ट आंसर आप बताइएगा तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी जो है RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था तो आप बता देंगे वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था, आंसर सी बताइएगा, कब किया गया था 2004 में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है तो आप बता देंगे वियना में, आंसर ये बनेगा कहाँ पे है वियना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो मंगल शुक्र और ग्रह को दिखाता है, तो क्या होगा तो आपको पता है कि मंगल और शुक्र अलग है लेकिन ये सभी ग्रह है, तो ये कौन सा है तो ये सी वाला यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये देखिए 2019 का है तो इसे आपको पढ़ना नहीं पड़ती, इसे क्वेश्चन हम रीड करके देखते हैं कि किस रिलेटेड पे है। वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैंने स्पीडी करंट अफेयर को कराया दोस्तों, वो जरूर से जरूर देखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 2019 में किनको दिया गया, तो वो किनको दिया गया था अबी अहमद को दिया गया था, है ना। 2023 में नोबेल किनको दिया गया था, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, है ना, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप सॉल्व करना है बहुत इजी में, आप सॉल्व कर पाएंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी 50.694 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है, कौन है बताइए, आप आंसर बताएंगे समचतुर्भुज जो है आयत और वर्ग के बराबर है, आंसर करेक्ट डी आपका बन जाएगा ऑप्शन बताइएगा। कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 6, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुना से 6 कम होती है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग मान लेते हैं इकाई संख्या वाई है, दहाई एक्स है, तो यहाँ पे हम मानेंगे इकाई जो है हमारा वाई है और दहाई जो है हमारा एक्स है, तो हमारी संख्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल कितने 6 हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योग है 6, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। तब मूल संख्या हमारे पास बोल क्या रहा है कि 10x, मूल संख्या जो है 10x प्लस वाई है, ठीक है ना। अब कह रहा है नई संख्या जब उलट जाती है तो 10y और प्लस x हो जाएगी ना, तब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखेंगे कि ये 2 गुना हो जाएगी, कौन मूल संख्या जो है हमारी 2 गुना हो जाएगी, 10x प्लस वाई से घटाइएगा जब नई वाली संख्या को, तब इक्वल में रह जाएंगे 6। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे निकल जाएंगे आपके पास 19x माइनस 8y इक्वल में आ जाएगा 6, ये इक्वेशन सेकेंड होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है ना, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो हमें बताना है मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या यही तो है हमारी, तो आप रखो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 4 24, यानी मूल संख्या जो होगी हमारे 24 हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दंतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, राइट आंसर सी बनेगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट बताइए, करंट अफेयर है दोस्तों, ये करंट अफेयर तो आपको देखने नहीं, 2019 का है। अगला देखेंगे, SUN को सांकेतिक भाषा 54 लिखा जाता है, तो MOON को किस में लिखेंगे, तो आप देखेंगे SUN को, है ना, तो S का 19 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है, सभी को ऐड करेंगे तो 54 आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए 13 प्लस 15, O का होता है 15 और प्लस 14, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 57 आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा आपका। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बारे में पूछा गया, फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था, तो देखिए वो फाइनल मैच लॉर्ड्स में खेला गया था, कहाँ पे दोस्तों, लॉर्ड्स में खेला गया था, आंसर आपका करेक्ट आंसर ये बनेगा, ठीक है। और 2023 जो है वो कहाँ पे खेला गया था दोस्तों, 2023 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, आपको पता है ना, छठा विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया 2023 में जो हुआ था, और यह जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, है ना। और 2024 जो हुआ है दोस्तों फाइनल मुकाबला जो दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में T20
क्रिकेट विश्व कप हुआ है 2024 का, उस मुकाबले में जो है कैसिंगटन ओवल दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। 2024 का फाइनल जो है कौन जीता, भारत ने जीता किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, ठीक है ना। और विजेता को 20 करोड़ मिला है और उपविजेता को 10 करोड़ मिला है, लगभग 10.5 करोड़ और उपविजेता को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो वस्तु को जो है 1336 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस पर बेचना चाहिए, है ना। देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100 और बट्टा जो होगा हमारे पास 100 माइनस जो लॉस परसेंट होगा वो, है ना। तो बस यहाँ पे रखेगा ये फार्मूला का यूज, ये हम लोग फार्मूला रखते हैं यहाँ पे, जो ये फार्मूला दे रखा है इस पे रखेंगे आप, तो आपके पास कितना दे रखा है एसपी यानी विक्रेता कितना है, तो आप बता देंगे 1360 है और गुने हो जाएगा 100 में से 15% घटा लीजिएगा 85 और गुने 100 होगा, गुने 100 नहीं तो आप काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, आपके पास काट दीजिएगा तो टोटल आ जाएंगे 1600। ये 1600 क्या आ गया दोस्तों, तो आप बता देंगे कॉस्ट प्राइस 1600। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 1600 यानी कॉस्ट प्राइस इंटू जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कितना 10% का 110 हो जाएगा अपॉन 100, काटिए इसको 20 से 20 यानी कितना आ जाएंगे आपके पास, तो आपके आ गए 16 को 1166 और 11 6 कितने हो जाएंगे 1117 यानी आपके पास आ गए 1760, ठीक है ना। ये 1760 के आ गए आपके पास सेलिंग प्राइस आ गए, तो हमें निकालने क्या थे दोस्तों, उस वस्तु का विक्रय मूल्य तो निकालने थे, बेचनी कितने है तो 1760। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत की पहली मानव चलित जो है अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आंसर बता देंगे इसका नाम है गगनयान, आंसर बताइएगा राइट आंसर बी गगनयान नाम है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कृत्रिम उर्वरक पहली बार 10वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, कब निर्मित किए गए थे, तो आप आंसर बताइएगा 19वीं शताब्दी में, आंसर करेक्ट सी बनेगा 19वीं शताब्दी में किए गए थे। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिंस हैंडबुक के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आंसर बताएंगे इसके लेखक है सावा नकवी, कौन है सावा नकवी, आंसर करेक्ट सी बनेगा सावा नकवी है। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो ये देख लेते हैं कितने दिनों में पूरा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दे रखा है क्या दोस्तों, मैन है ना और यहाँ पे वोमेन, ये जो है 8, ठीक है ना, और ये है 12, टोटल कितने हैं 24, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल, देखेंगे ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी आएगी ना, इसकी इफिशियंसी 3 आएगी और इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, ठीक है। तो इफ जो 2 पुरुष है 3 महिलाओं का काम, तो यहाँ पे इजी में आप लिख सकते हैं क्या कि 2 और गुने 3, ठीक है ना, प्लस कर देंगे हम लोग 3 और गुने 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 12। तो जब हमारे पास टाइम जो लगा हमारा ये कार्य कितना है तो 24 और क्षमता 12 यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा, तो आंसर क्या बना हमारे, राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 2 दिन। अगला देखेंगे, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य जो है 14 वर्ष है, उनके दादा और दादी की आयु का क्रम 71 वर्ष और 67 वर्ष है, तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य जो हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा, तो आइए हम लोग निकालते हैं 9 बच्चे की कुल आयु कितना, 9 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 नंबर 126, ठीक है 126 आ गया। अब दादा दादी सहित जो कुल परिवार का माध्य कितना हो जाएगा, तो 126 तो होगा प्लस 71 प्लस 67 ऐड कर देंगे अपन कितने हो जाएंगे टोटल 9 और 2 11 टोटल पड़ेगा, तो आप काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 24 साल आ जाएंगे, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें कि दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 24,000 उधार लिए, 3 साल के बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा उन्हें, तो कितना करना होगा इंटरेस्ट बराबर या लिख सकते हैं क्या मूलधन कितना है 24,000 गुने कितना समय 3 साल 9% / 100 काटिए 20 से 20 अब गुना करके बता दीजिए कितना आ जाएगा 6,680 रुपया और प्लस 24,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000, ये हो जाएगा आपके पास टोटल ऐड करें 30,480 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा करेक्ट आंसर बी आपका,
ये देखिए करंट अफेयर है दोस्तों, तो इसे आपको तो देखना नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये तो करंट अफेयर को छोड़े और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का बन रहा है दोस्तों, वो देखिए क्या है, कह रहा है ये भी आपका करंट अफेयर ही है, बट इसे देखते हैं। 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान ये एक जो योजना है दोस्तों, ये किस राज्य से किया गया था, तो आंसर बताएंगे आप, ये किया गया था झारखंड से, है ना। करेक्ट आंसर बी बनेगा, ये याद रखना है। किस राज्य से शुरू किया, कब शुरू किया गया, ये भी याद रखना होगा। 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर घूमता है, तो पहिए का व्यास हमें बता करना है। तो ये यहाँ पे पहिए का व्यास हम लोग निकाल देते हैं। अब देखेंगे क्या कि एन और गुने परिधि जो है हमारा, एन गुने परिधि टू पाई आर इक्वल जो होगा दूरी, जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखेंगे 7,000 चक्कर लगाता है गुने 2 पाई आर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 11, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 11,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 0 से 3 0 इधर कैंसिल कर सकते हैं आप, ओके। अब जो आप निकालेंगे आर की वैल्यू, तो कितनी आ जाएंगे आपके पास, सीधे आप डालेंगे 11 और गुन्ने आ जाएंगे आपके पास 7, और अपॉन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 × 22 आएगा। 7 से 7 कैंसिल करिए, है ना, और यहाँ से काट दीजिए 2 टाइम्स में, यानी कितने आ गए आपके पास, आपके पास आर की वैल्यू जो है 1/2 आ गया, है ना दोस्तों। सीधे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, 2r हमने निकाला है। 2r किसे कहते हैं, तो व्यास को कहते हैं। व्यास हमारा हाफ अप निकला है ना, व्यास हमारा कितना निकला है 1/2 निकला है, 1/2 जो निकला है हमारे पास व्यास दोस्तों। तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, तो इसे काटेंगे यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, है ना। तो आंसर क्या बताइएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं। तो आंसर बताएंगे, यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, राइट आंसर सी बनेगा, 24 अप्रैल को मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 3 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला देखिए, कांसा पीतल और मिश्र धातु कौन रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कांसा और पीतल अलग है, और जो कि ये हम दोनों मिश्र धातु है, तो कौन सा बनेगा फॉर्मेशन, ये सी वाला बनना है, यानी ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होगा, राइट आंसर बी आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इनमें कह रहा है कि इनमें से भारत के किस वैसा राय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, कौन किए थे, तो आंसर बताएंगे, वह किए थे लॉर्ड रिपन किए थे, आंसर डी बनेगा, कौन किए थे, लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल था 1880 से लेके 1884 तक था इनका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित हमें करता है, कौन करता है, तो आप बताएंगे O3, जिसे हम लोग ओजोन बोलते हैं, करेक्ट आंसर बी बनेगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया, कौन सा मंत्रालय ने किया, तो आप बता देंगे कानून एवं न्याय मंत्रालय ने, करेक्ट आंसर सी बनेगा। 4 इग्न दिए गए, जिसमें 3 एक तरह समान है, 1 अलग है, वो कौन अलग है, तो आप देखेंगे कि 21 और 23 में डिफरेंट 2 का है, 12 और 15 में 3 का, इसमें देखेंगे 2 का, इसमें 2 का, लेकिन इसी में 3 का है, तो आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं, 32 महिला उसी कार्य को 12 दिन में करती है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 12 दिनों में कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, 8 अन्य पुरुष इसी कार्य में शामिल हो गए, इन पुरुषों के शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि मैन वर्सेस वुमेन कितने हैं, 12 मैन जो है यहाँ पे उन्हें 16 दिन में करते हैं, ठीक है ना, और 32 औरतों जो है वो 12 दिनों में ही करती है, तो 12 से 12 कैंसिल होगा, 16 से 2, यानी एक मैन बराबर क्या बोल सकते हैं, 2 वुमेन बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, मतलब कि एक आदमी जो होगा वहाँ पे 2 औरत एक काम को कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम, पहले बोला क्या गया है कि कुल कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 × 2 और × 16, तो कितना हो जाएगा 384, ये टोटल आपका इतना वर्क हो गया, ठीक है ना। तो 8 मेल
और 8 वोमेन का 12 दिनों का कार्य। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 8 मैन है और वोमेन में कन्वर्ट, या फिर वोमेन को मैन में कन्वर्ट, तो ये आधा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे 8 × 2, कहने का मतलब है हमने वोमेन में कन्वर्ट करा, प्लस 8 × 1 ये किया हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना जाएगा, 288, ठीक है 288 है, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 384 में से 288 घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 96 वर्क। ये 96 वर्क को जो है 8 पुरुष और 8 पुरुष का जो है एक दिन की कार्य क्षमता हमें बताना है। तो वो कितना हो जाएगा, 8 × 2 प्लस हो जाएगा 8 × 2, यानी यहाँ पे 16 और प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 32। तो आंसर क्या बनेगा, जो 32 आया हमारे पास ये वर्क है, टोटल कितना है 96 वर्क का जो शेष बचा, और अपॉन 32 काटिए इसको, यानी कितना गया, 3 टाइम्स में कटा, कितना दिन में पूरा कर लेंगे, तो 3 दिनों में। आंसर सी बनेगा आपका। एक संख्या के जो है 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इन संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है किसके बराबर होगा। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, मान लेते हैं संख्या x है, तब x गुने जो होगा 82 में से आप 73 घटा लो तो 9 बच जाएगा, ओपन 100 इक्वल कितना 72 है, तो काटिए 9 × 72 यानी x की वैल्यू 800। x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 800 आ गई। तो इसी 800 का, इसी 800 का जो है हमें 48% बताना है। तो 2 × 2 = 48 में 8 से गुणा करिएगा, 384, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि उनके बीच में 20 और 23 के अनुपात में विभाजित किया। इन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपये का दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात हमें ज्ञात करना है और बताना है। तो ये हम लोग निकालते हैं, मान लेते सुखदेव और बलदेव की मिली राशि 20x और 23x है, ठीक है ना। तो 20 और 23 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 43x, 43x बराबर कितने हो जाएंगे, 2150 होगा ना। तब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 टाइम में कटेगा। x की वैल्यू जब 50 आ गया तो बलदेव, बलदेव को कितना मिला है, 50 × आप 23 कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 1150, और 50 × 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। तो बलदेव और सुखदेव को देख लिए यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है ना। तो दोनों के 100 रुपया दान देने के बाद जो है रुपये कितने बच जाएंगे, तो आप देखेंगे 1000 में 100 घटा दीजिएगा तो 900 बच जाएंगे, ठीक है। और इनमें से 100 आप दे दोगे कितना बच जाएगा, 1050 बच जाएगा। तो इस दोनों को काट दो तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 90/105। इसको और भी काटेंगे तो आपके पास 6:7 में आ जाएंगे। तो यही तो अनुपात हमें बतानी थी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 और 7 के रेशियो में ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग कथन और निष्कर्ष को, क्या है हमारे पास कथन, कह रहे हैं क्या कि कुछ शॉर्ट जो है पैंट है, कुछ शॉर्ट जो है पैंट है, ठीक है, कुछ शॉर्ट पैंट है, सभी पैंट कोट है, सभी पैंट कोट है, ठीक। उसके बाद कुछ कोट जूते हैं, कुछ कोट जो है जूते हैं, कुछ कोट जो है जूते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है कुछ पैंट जूते हैं, कुछ पैंट जो है क्या जूते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखें, कुछ शॉर्ट कोट हैं, कुछ शॉर्ट जो है क्या कोट है, हाँ बिल्कुल बात सत्य है। सभी कोट कोट है, सभी शर्ट जो है कोट है, सभी शर्ट जो है क्या कोट है, ये तो बात बिल्कुल गलत बोला है। कोई पैंट जूता नहीं है, ये भी बात गलत है, कोई पैंट जूता नहीं है, ये गलत है। यानी क्या निकला, बस और बस हमारा 2 निष्कर्ष निकला करेक्ट। अब बताएंगे क्या, करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है केवल निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 86 से लेके 89 तक क्वेश्चन बनने वाला है, 25 छात्रों का वजन दे रखा है केजी में, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, सबसे भारी छात्रों का वजन केजी में बताना है। तो सबसे भारी छात्र का वजन केजी में कितना हो जाएगा बताइए, तो आप आंसर बताएंगे सबसे भारी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा 59। सबसे भारी इसमें तो 59 ही है ना, और तो कोई दूसरा है नहीं, 59 कह रहा है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि सबसे अधिक बरम्बरता वाला भार केजी में हमें बताना है, सबसे अधिक बरम्बरता मतलब सबसे ज्यादा बार, तो कौन आया है आइए देख लेते हम लोग। तो अब देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो जो आ रहा है इसका नाम है 53 है दोस्तों। कितने टाइम्स आया आप देख रहे हैं ना, जितने मैंने करा है, तो यानी आंसर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर डी। दिए गए विकल्प में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बरम्बरता वाला भार, सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम तो एक ही है, वो है 50 दोस्तों।
आंसर क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे होंगे, करेक्ट आंसर डी बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए आंकड़े का जो है हमें रेंज बताना है, क्या होगा परास, क्या होगा इसका, तो क्या होगा परास बताइएगा। इसका परास जो होगा 59 सबसे बड़ा है, सबसे कम है 50, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ए। अगला देखेंगे, कह रहा है कि चार प्रकार के जो है सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से तीन जो है एक समान है, एक असंगत है, वो कौन है, कौन है सबसे अलग? तो आप बता देंगे इसमें जो है इंडिया टुडे सभी से अलग है, आंसर बी बनेगा। इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस है ना, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या है दोस्तों? यह दैनिक जो है, दैनिक समाचार पत्र है, जबकि इंडिया टुडे एक मासिक पत्रिका है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। देखिए अगला क्या बता रहा है, इसमें देख क्या रखा है, पी का प्लस है, क्यू का माइनस है, आर का गुणा है और एस का डिवाइड है, तो क्या आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं रख के वैल्यू? बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाग करना, यहाँ पे भाग रख दीजिए। क्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना। आर का मतलब क्या है? गुणा करना। और पी का मतलब क्या है? तो जोड़ना। क्या आप नहीं बना लेंगे यहाँ पे? बिल्कुल आप बना लेंगे। ये तीन ऊपर आ जाएगा, एक ये तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया यहाँ पे 35 और प्लस हो जाएंगे 7 और माइनस रह जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। तो कितना हो जाएगा? 35 से 2 37 में से आप 7 घटा लोगे तो कितना? 30 बच जाएगा। आंसर बी बन जाएगा आपके पास। देखिए, 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण तीन स्थान दाहिने अश्रांतित होता है तो वह दाहिने छोर से पांचवें स्थान पर पहुंच जाता है, तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था, ये हमें बतानी है। तो किस स्थान पे था ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया, पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था, तो बाएं छोर से वो किस स्थान पे था आप देखेंगे खुद, तो यहाँ पे था है ना, और इधर से ये पांचवें स्थान पे, मतलब यहाँ से टोटल तो व्यक्ति 12 है यहाँ छात्र में, तो यहाँ से जब पांचवें स्थान मतलब 8 में पे था इधर से, तो कितना आ जाएगा? पांचवें स्थान पे आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। देखिएगा यहाँ हमारा के से एच, ये कितना? 3 घट रहा है, 11 से 8 आया, फिर यहाँ 8 से 5, 5 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 होगा, 2 यानी बी, तो डी भी कट गया, यानी ऑप्शन बस एक करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए बन गया। अगला देखिएगा, कह रहा है कि चर्च ईसाइयों से इसी प्रकार संबंधित है, जिस तरह जो है सिनागोग, सिनागोग जो है संबंधित है, किसे सिनागोग किसे संबंधित है, तो आप सिनागोग बता देंगे, यहूदियों से है, आंसर ए बताइएगा। बताइए प्रश्न आकृति पे क्या आने वाला है, देखेंगे यहाँ पे 37 से 21 कितना घट रहा है? 16, यहाँ से कितना? 8 घट रहा है, यहाँ से कितना? 4 घट रहा है, तो यहाँ से 2 घटा दीजिए यानी 7, आंसर डी करेक्ट बताइएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या कि इसमें चयन करना है निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापित करेगी, है ना, तो आप देखेंगे कौन प्रतिस्थापित कर रही, 3/4, 3/4 से यहाँ 5, कितना? 2 इंक्रीज किया, यहाँ पे 2 इंक्रीज, तो यहाँ से भी 2, यानी 7/4 आना चाहिए, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी दिख रही है आपको। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या मणिपुर इम्फाल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड डैश से संबंधित है, तो मणिपुर इम्फाल से संबंधित है, तो आंसर बताइए। मणिपुर इम्फाल से संबंधित, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब देखेंगे ए से बी, बी से सी, सी से आगे आना चाहिए डी, डी से सभी शुरू, ठीक है, डी के बाद ई, एफ तो जी आना चाहिए, ठीक है, डी के बाद जी कौन से है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास अभी 3 है, ठीक है, जी एच आई तो जे आना चाहिए, किसमें है जे, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर आ रहा है, बाद बाकी गलत है, यानी करेक्ट आंसर सी बन रहा है आपका। अगला बताना है, कह रहा है भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो देखेंगे ये भोला जो है वो उसी कैसे संबंधित है, अब खुद अपने पे यूटिलाइज करके देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनेगा। देखेंगे, कह रहा भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो आप देखेंगे भोला, भोला जो है अपने जो बहन के पति जो है वो जीजा से कह रहा है क्या कि उसकी जो लड़की है तो वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी ना, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, भांजी, करेक्ट आंसर सी। देखिए अक्षरों को संयोजित करके स्थान को हमें फुलफिल करना है, तो आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, देखिए क्या होगा यहाँ पे, सी है ना, उसके बाद बी, सी बी ऐसे आ रहा है, तो देखेंगे पहले काउंट करेंगे कितने नंबर है, तो आप काउंट करेंगे इधर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 है, तो आपको डिवीजन करना होगा दोस्तों इसको, है ना, या तो 3 या तो 4 या फिर 2, ऐसे आपको डिवीजन करना ही होगा तभी आप बना पाएंगे, ठीक है ना, तो आप देखिए हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं दोस्तों,
यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, कितने का, तो अब देखेंगे यहाँ पे कैसे ये डिवीजन हो रही है। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तीन तीन का डिवीजन मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ए बी सी है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए पहले तो ए आना चाहिए, तो सभी में ए है, ठीक है, ए बी सी हो गया, फिर है ए तो यहाँ पे बी आना चाहिए, ए के बाद अब बी वाला कौन है, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, अभी सभी ऑप्शन देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, उसके बाद बाकी ए आएगा तो उसमें कौन है ए, तो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन है, बी कैंसिल हो गया आपका, सी भी कैंसिल हो गया, अभी डी बाकी है, तो अभी दो ऑप्शंस बाकी हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ए बी से पहले क्या आना चाहिए, तो ए आना चाहिए, तो ए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, तो राइट आंसर डी बन जाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।